यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अगली बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। उमेश अग्रवाल जो है वो प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी होंगे, अगले मीडिया प्रभारी जो है बीजेपी के वो उमेश अग्रवाल होंगे। गुरुग्राम से विधायक हैं उमेश अग्रवाल, और अगला मीडिया प्रभारी जो है वो उनको बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सौंपा है बीजेपी मीडिया प्रभारी का जो पदभार है उमेश को, और गुरुग्राम से अनुराग बख्शी और फरीदाबाद से रेणु भाटिया को भी प्रवक्ता जो है वो बनाया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, उमेश अग्रवाल जो है प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी होंगे। नए मीडिया प्रभारी जो होंगे प्रदेश के हरियाणा के लिए वो उमेश अग्रवाल होंगे, जो कि गुरुग्राम से विधायक हैं। और बड़ी बात ये भी है कि प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने जो है दायित्व मीडिया प्रभारी का उन्हें सौंप दिया है, तो अब उमेश अग्रवाल मीडिया प्रभारी होंगे और अनुराग बख्शी और फरीदाबाद से रेणु भाटिया को भी प्रवक्ता का दायित्व जो है वो सौंपा गया है। तो कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, और क्या कुछ खास अब रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कितनी जो इनका कार्यभार होगा या इनकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार रवीश। कुमार, नया पदभार संभाला दिया गया है और उमेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं या फिर क्या कुछ इससे अब आगे बीजेपी सोच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उमेश अग्रवाल गुरुग्राम से विधायक हैं, और गुरुग्राम से विधायक होने के साथ साथ वो क्योंकि कुछ दिन तक वो मीडिया से भी जुड़े रहे जी। और जाहिर तौर पर उनके पास एक चैनल का दायित्व भी था, कुछ दिन चैनल भी चलाया, अखबारों में भी रहे जी, इसलिए उनको मीडिया प्रभारी का पदभार दिया गया है। और इसके साथ साथ दो लोगों को और प्रवक्ता के रूप में भी जो है बीजेपी ने जोड़ने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात है कि राजीव जैन जब भाजपा मीडिया प्रभारी हरियाणा थे, उसके बाद जब उनको मीडिया एडवाइजर मुख्यमंत्री लगाया गया, उसके बाद से पद खाली था, इसीलिए जो है इनकी नियुक्ति की गई है। और आप समझ सकते हैं आगे आने वाला जो चुनाव का वक्त आ रहा है उसमें भाजपा मीडिया प्रभारी का रोल होना कितना अहम है जी, सभी को याद है जी। बिल्कुल रमेश, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है यहाँ उमेश अग्रवाल की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी कुकर्म के केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के सोशल मीडिया में भी विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें उमेश अग्रवाल के सामने हैं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार रमेश। तो सुभाष बराला ने फिलहाल जो है मीडिया प्रभारी का दायित्व उमेश अग्रवाल को सौंप दिया है, गुरुग्राम से विधायक हैं। और साथ ही अब आपको बता दें, राजीव